कहाँ फरार हो गए थे? आप कौन है? क्या डॉक्टर है, कंपाउंडर है, क्या है आप? बैठा रहा, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या है? हम मारने पीटने आपसे नहीं आए हैं, ना कोई मेरी आपसे लड़ाई है। आप कौन है अपना बताइए। हम यहाँ रहते हैं, मतलब हार्बर हेल्थ केयर का मैं काम करता हूँ। हार्बर क्लिनिक का जो भी इंजेक्शन वगैरह वो डॉक्टर सब लगाते हैं, सीधी वाले, ठीक है ना। हार्बर का काम लिए हैं और मैं हार्बर का दवा करता हूँ। क्लिनिक को खोलने का कोई रजिस्ट्रेशन है आपके पास? उनके पास है डॉक्टर साहब। किसके पास है? बातें हैं सब उनके पास। तो आपके पास यहाँ पर कुछ है? हमारे पास वो आएंगे दिखा, कोई बोर्ड यहाँ पर या फिर कोई रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मड़वा के रखे हैं? रखे नहीं है, दिखा देंगे कल सर। आपके अगर कोई आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है तो वहाँ सीधी से डॉक्टर आते हैं? नहीं आए सर, छुट्टी की वजह से संडे को नहीं आते हैं, तो हम अपना हो गया ऐसे। कौन से डॉक्टर बैठते हैं? एडी भटनागर सर। अच्छा, यहाँ पे किस किस दिन बैठते हैं थोड़ी बताइएगा। डेली आते जाते हैं, परंतु हो गया आज मतलब संडे की वजह से नहीं आते। कल मिलेंगे ना मुझे यहाँ पे? हाँ कल मिलेंगे। कितने बजे तक रहते हैं यहाँ पे थोड़ी बताइए, डिटेल बताइए। मतलब रहते हैं 11 से 5 तक। 11 से 5 यहाँ पर वो बैठते हैं? डेली बैठते हैं। क्लिनिक किसके नाम से? उन्हीं के नाम से है। किसी के नाम से कोई क्लिनिक वगैरह नहीं है। तो क्या मतलब है आपका? आए बना नहीं, आप आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, तभी से बात कर रहे हैं, तभी से बात कीजिए, है ना। आप बैठिए बिल्कुल सर। देखो रही बात क्लिनिक, मैंने पूछा किसके नाम से है, किसके नाम से संचालित है ये और क्या करते हैं यहाँ पे आप? वही हर्बल का मतलब दवाई अपना करते हैं, हर्बल हेल्थ केयर का। गर्म पात की यहाँ पे टेबलेट क्या करती है? वो रखे होंगे कोई से मेडिकल, उनका मेडिकल बैग का है, उन्हीं का है। हाँ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है उनके पास। पक्का बैग उन्हीं का है ना? हाँ सर। अब उनके पास मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। फोन लगाइए आप, लाउड स्पीकर पर रखिए, लगाइए फोन। आप करा देते अभी, करवाइए ना, लगाइए फोन, बात करवाइए। गर्म पात का यहाँ पर कार्य कौन कर रहा है? यहाँ पर गर्भपात के टेबलेट, गर्भपात की सारी चीजें, यहाँ पर कैंची, ये सारी चीजें क्या कर रही हैं? अगर आप मेडिकल के इशू यहाँ पर करने का आपके पास अधिकार है तो रजिस्ट्रेशन कहाँ है आपका? और अगर आपने पढ़ाई लिखाई करके डिप्लोमा रखा तो डिप्लोमा दिखाइए आप। और रही बात कि मैं कौन हूँ, एक मिनट, रही बात से पूछ पाए ना 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 बिल्कुल मैं बताता हूँ। रही बात कि मैं कौन हूँ, आम जनता हूँ, कोई पत्रकार नहीं। सुनिए, नहीं नहीं सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आम जनता हूँ, कोई पत्रकार नहीं हूँ। ये तो अपना पूछ पाए नहीं, अपना तो पूछ लीजिए। मैं बताता हूँ कि मैं रवि कुमार पांडे A to Z। और रही बात मैं आम जनता हूँ, आम जनता के साथ ही सारी चीजें हम आपसे बात कर रहे हैं। कोई आईडी कार्ड, माइक, कोई किसी चीजें नहीं है यहाँ, मैं उसी के साथ आपसे सवाल कर रहा हूँ। बताइए संचालक कौन है सर? सीधी से हम को हम बात है, कल बात करवाइए, मेरी कॉल कीजिए अभी आप, लाउड स्पीकर पे फोन लेके चालू कीजिए। क्यों आएंगे कल डायरेक्ट? अरे तो बात आपके बॉस है, बताइए कि भाई आज मैंने क्लिनिक खोली है रविवार को, दो चार लोग आए हुए हैं, बैठे बात करवाइए आप मेरी। हेलो हेलो, हम आई थे अपना घर पे, आई थे अपना घर पे ही था। हाँ तब हो गया, जय हम आई थी फिर। क्या नाम है आपका? ब्रिजेश कुशवाहा। ब्रिजेश या बीरेश? ब्रिजेश बीरेश दोनों। कंफर्म नाम बताइए जो मैं पूछ रहा हूँ, एक्चुअल नाम बताइए मुझे, क्या नाम है आपका? आप तो वर्मा बता रहे हैं। कंफर्म बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कंफर्म बताइए। आप एक डॉक्टर बता रहे हैं अपने आप को कि हम डॉक्टर नहीं बताए, तो कौन है आप भाई? वही तो हम पूछ रहे हैं, अपना पूरा डिटेल देंगे आप? कौन है आप? पिता का नाम क्या है आपके? कहाँ के हैं वो? सीधी में एड्रेस बताइए अपना, एड्रेस मरिया। आधार कार्ड दिखाइए अपना, आधार कार्ड मिल, लाइसेंस दिखाइए अपना। कुछ नहीं हमारे पास इतने समय पर, हम लाके दिखा दे। डेली अप डाउन करते हैं आप यहाँ पे? नहीं, हाँ डेली अप डाउन, यहाँ रहते नहीं है डेली करने कोई। एक मिनट, क्या क्या कह रहे हैं आप? हम डेली आई थी सर, डेली अप डाउन करते हैं।
कोई रजिस्ट्रेशन है इन सब चीजों का? इस समय कुछ नहीं है। तो ये टेबलेट किस माध्यम से आपने यहाँ पे रखा है, क्या है ये चीजें? क्या संतोष, क्या ये चीजें आप बताइए, बताएंगे क्या है संतोष, बताइए क्या है, अगर वो बता उनको बुला, क्या है ये चीजें? अगर आप डॉक्टर नहीं है, आप संचालक से मेरी बात नहीं करवा रहे, तो क्या ये चीजें बताइए? तो क्या ले ले, मतलब क्या लेने हम? बैठो बैठो आप, पूरी डिटेल तो दे दीजिए, पुलिस को बुलाऊं मैं? नहीं सर, क्या मेडिकल ऑफिसर को बुलाऊं मैं? नहीं, उनके पास बताए सर, बिना कुछ बहाना। तो यहाँ पे आपके गर्भपात की जो दवाइयाँ रखी हुई है, जिस दवाई का कोई नाम नहीं है, वो क्या दवाई आप करते कौन मेडिकल? वही तो मैं कह रहा हूँ की बात करवाइये ना, आप यहाँ पे बैठे बैठे मर्डर कर रहे हैं, बताइए। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं किया। ये बिस्तर किस लिए? कल बात क्या, फाइनल बताइए ना, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सुबह आप, मैं जैसे आया फरार हो गए, गायब हो गए, आधे घंटे घंटे में इंतजार करता रहा, कोतवाली यहाँ की जो थाना है वहां पे बैठा रहा, आपकी डिटेल मांगा, किसी को आपकी डिटेल नहीं मालूम, कैसे आप क्या कर रहे हैं? पत्रकार क्या होता है आपको बताएं? हम यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, यहाँ पे जो पत्रकार आपसे सवाल करने आता है ना, वो किस लिए आता है आपको मालूम है? नहीं मानता है। नहीं, 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 किस लिए मालूम है आपको, किस लिए वो आता है? नहीं मालूम। आम जनता, जो आम जनता है ना, वो आवाज नहीं उठा पाती, तो हम आपके पास आते हैं इसलिए कि वो आप सुरक्षित रहे। आप एक इंजेक्शन दे दीजिए, आपकी एक इंजेक्शन से सामने वाला मर जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप अगर लिखे पढ़े नहीं है तो ये बताइए कि आपको अधिकार है ये सब चीजों का करने का? ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप, इंजेक्शन आप लगाएंगे? आपके दवाइयों पर नाम नहीं है, किस चीज की दवाई कर रहे हो? अगर आप यहाँ के हत्यारे हो, यहाँ पर जो कुछ दिन पहले लड़की, एक छोटी सी शिशु मिली थी रोड पे फेंकी हुई, गर्भपात का मतलब आपको मालूम है ना? आप तो भ्रूण हत्या कौन करवा रहे हैं यहाँ पे? भ्रूण हत्या कर रहे हैं आप यहाँ पे बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? मैं आपको कुछ मारने नहीं आया था, आपसे लपटने नहीं आया था। सर कैसा कभी नहीं, नहीं, मेरी वैल्यू मतलब पत्रकार की कोई वैल्यू नहीं होती। आम जनता के लिए यहाँ पर वो चिल्लाता है, आके काम कर रहा है। मैंने आपसे कोई पैसे मांगे क्या? नहीं, मैंने आपसे कोई पैसे मांगे क्या? कोई हेल्प मांगी मैंने आपसे? बल्कि मैं आपसे इंक्वायरी कर रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आप किसके कारण यहाँ पर ये सारी व्यवस्थाएं बना के रखे हुए हैं और कैसे आप चला रहे हैं? क्यों आप अपना नाम भी बीके वर्मा बताए हो? नहीं, हम मैं सुनाऊ, रिकॉर्डिंग सुनाऊ उसकी आपकी? अरे क्या मतलब आप अपनी पहचान भी छुपा रहे हैं? नहीं बता, आपसे तो सही से आप हैं कौन ये बताइए? कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा रहे हैं? रिकॉर्ड आज हम भाग तो जाएंगे नहीं, हमारे यहाँ फिक्स है जमा। शेर की खाल में भेड़िया कभी एडजस्ट नहीं होता, याद रखिए। डिपॉजिट है 50,000 सर की, यह लिए है। किसके लिए? क्या इस किराए के लिए? तो ऐसा नहीं, क्या आप डिपॉजिट दे दिए हैं तो आप यहाँ पे कुछ भी करने लगेंगे? हत्या करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया है, मतलब आप हो गया सर। क्या हो गया? आज तक आपके यहाँ कितने मीडिया वाले हैं? मैं बात तो डेली आते रहते हैं, जिसके पहले पे आते हैं ना। हाँ, लेकिन होगी बात वो होती रहती है। अच्छा, बात होती रहती है, वो पहचान लेकिन किस प्रकार की बात है? हम आपको नहीं पहचाने सर, तो आपको बुरा बुरा नहीं बोले, इतना ही बोले तो सर ऐसा है कि आप कहीं आप बोले आए तो आप बोले वो मीडिया वाला बंदा है। मैं कह रहा हूँ, मैं आम जनता हूँ, आम जनता के पास पावर है सवाल करने का कि आपके पास यहाँ पर किस डॉक्यूमेंट के आधार पर हम ड्यूटी कर रहे हैं। आपके बात में राजू, आप बता रहे हैं, ठीक है ना? आम जनता भी पूछ सकती है आपसे कि आप क्यों इंजेक्शन लगा रहे हैं? अगर आप डॉक्टर नहीं तो आप कौन है? फिर क्यों ये रखे हुए हैं जी? हम अगले 24 घंटे में अगर आपकी ये बंद नहीं हुई ना, पटना पहुंचाऊंगा, मैं कह रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने आपके नाम से रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है। नहीं, मुझे नंबर नहीं देना। 24 घंटे के अंदर ये क्लिनिक अगर आपकी बंद नहीं हुई, अगर ऐसे गैर तरीके से अगर चल रही है, तो ये समझ लीजिए कि मैंने आपके नाम से रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है कि आपके बैग से मुझे गर्भपात का टेबलेट मौजूद मिल रहा है जी। अपना क्या बोली थे चाचा? हाँ चाचा बोली जी, चाचा बोली जी, चाचा हाँ हाँ चाचा हाँ चाचा जी, अपना है कहा? अच्छा, ठीक है चाचा, ठीक है।
क्या बहू ललित भैया से बात हो गई जी? देखिए कहीं ठीक रखे चाचा जी हो गए फिर जैसा की बात है जी। ये 24 घंटे में आपको टाइम दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, अगले 24 घंटे के बाद मैं इनसे बात नहीं करूँगा, DIC भी बात नहीं, डायरेक्ट SP से बात करूंगा मैं, वो जो डॉक्टर साहब ठीक है ना, कोई डॉक्टर नहीं आता भाई यहाँ पे, मेरी नजर यहाँ पर मैं यहाँ पे नहीं हूँ ना, मैं पहले 10 दिन पहले अगर कवर कर रहा हूँ, नजरें जा रही हैं, इसके बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। 10 दिन से कौन सा डॉक्टर आया ये बताए ना, हमारे पास कोई प्रूफ है इनके पास, कोई CCTV फुटेज है इनके पास, कोई रिकॉर्डिंग है, कोई नाम नहीं है, क्या ये किस नाम से क्लिनिक है, क्या है 24 घंटे में आपको टाइम दे रहा हूँ, इसके बाद हालांकि ऑलरेडी कार्यवाही जारी हो चुकी है, अब ना दे है ना बताओ भाई, अब दे है ना चले हम लोग ना ठीक हम बताई थी यहाँ रखे रहे तेरा ना कितने मीडिया की बात छोड़ दीजिए, आम जनता अगर जल जाए ना तो चर्चा उधर गई, आप ही याद रखिएगा, आप किसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते उनके साथ रहता। अब रही बात ये कि ये जो आप कह रहे हैं कि क्लिनिक ये 24 घंटे में बंद कर दे जी, इनकी इच्छा होगी तो बंद करेगा नहीं तो पड़ेगा जाए, तो वही कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ, अगर गैर है तो आपको बंद करना होगा और हम बंद करवाने की क्षमता रखते हैं, अगर गलत है तो हम सवाल करेंगे इनसे नहीं, इनके उच्च अधिकारी से, ठीक है ना। मैंने बता दी कि मैंने रिपोर्ट दर्ज करवा दिया भारी थाने में, अब इसके बाद मैं CMHO से कल बात कर रहा हूँ, आपके यहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर है अमित वर्मा, मैंने उनसे बात कर लिया है, CMO और BMO से भी मैंने बात कर लिया है, जो भी होगा फाइनली मैं डिसीजन बताता हूँ कि ये किस तरीके का है, इनके पास कोई एविडेंस हो तो देना ही है, और अगर हमारे मांग रहा हूँ ना, आप गलत अगर नहीं हो तो एविडेंस दो, अगर सही है तो क्या आप यहाँ भ्रूण हत्या करने के उद्देश्य इनके पास अब मैं पुलिस यहाँ पर हत्या करोगे, पुलिस को मैं बुलाया था और बैग वो चेक की है, क्योंकि मैं यहाँ आया मैंने वीडियो बनाया लेकिन इनके बैग तक को मैंने हाथ नहीं लगाया, रीजन कि ये किसी के भी बैग को हाथ लगाना उचित नहीं है, मैं कोई पुलिस नहीं हूँ, जांच पड़ताल करने का अधिकार मुझे नहीं है, मैं सिर्फ ये देखने आया था कि ये वाकई में डॉक्टर है या नहीं, अगर नहीं है तो आम जनता आप है, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं पूछताछ कर रहा हूँ, बिल्कुल जायज है आप पूछ सकते हैं, और आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा नहीं कर रहे हैं, पूछिए इनके पास है कोई डॉक्यूमेंट, आप जो यहाँ पे जो दवाइयाँ रखी हैं गर्भ निरोधक की गर्भपात की, तो वो किस उद्देश्य से रखे हो आप, एथराइज्ड डॉक्टर हो, BMO हो, अगर आप BMO भी बनकर बैठे हो यहाँ पर तो यही करोगे, रखने का अधिकार है आपको मालूम है ये क्या है, चीर फाड़ करने का, चीर फाड़ करने के बाद टाका लगाने का अधिकार है, ये कौन से डॉक्टर साहब आते हैं, देखो ना आपने देखिए नहीं, एक मिनट पकड़ेगा आएंगे तो देखे चेक करेंगे, हम आएंगे तो डॉक्टर साहब मतलब आएंगे तो हम बात कराएंगे, चेक कर लीजिए इसमें पूरा डिप्लोमा पूरा, एक मिनट इसमें देख लीजिए, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान से पढ़ाई हुई है, रवि दत्त भटनागर है, है ना रवि दत्त भटनागर, ये यहाँ पे है, कैसी वही पढ़ाई आते हैं, ये उनका क्या ये आते हैं सीधी ये डिप्लोमा उनका, हाँ अच्छे से दिखाना भाई इनको, हम इनको भी पकड़ेंगे, कहाँ पे वो आ रहे हैं देख लें, सीधी इनकी सीधी पे भी क्लिनिक है, बताओ कहाँ पे है, एक मिनट क्लिनिक है ना, हाँ सीधी में, ये किस नाम से है, उन्हीं के नाम से, हम नाम क्या है वो नाम, खड़ी रखी लगाए फिर क्या है आप ऐसे
उनका नहीं, हमारा मोबाइल चोरी लगा जिसमें नंबर मेरा सेव था, चोरी हो गया। कल तू आएगा तो दिन नहीं आएगा क्या? ये दिखा दे, दिन वाली बात नहीं है। आप जो ये नहीं, आप ये जो कर रहे हैं गर्भपात की जो सारी चीजें मिल रही हैं, ये बताइए और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ वही किस उद्देश्य से रखे और कुछ नहीं यहाँ पे। वही है न्यू सिट का, न्यू सिट का मुझे वो चाहिए, क्या बोलते हैं, टेबलेट दे दो, टेबलेट दे दीजिए, है आपके पास, है न्यू सिट का, पैरासीटामोल दे दो, यहाँ पे दस्त की दे दो, दस्त की दवाई दे दो, यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या करते हैं आप, मतलब मतलब जो भी आपने दवाई जो हर्बल का है, मैं आयुर्वेदिक से हूँ, ये आयुर्वेदिक की दवाई रखी हुई है, आप आयुर्वेदिक दवाई दिखा रहे हैं, उनसे आयुर्वेदिक दवाई, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हो तो आयुर्वेदिक दवाई दिखाओ, कहाँ है नंबर ही नहीं है इनके पास, अब वो कोई नहीं है, ये एक फर्जी वाला है, ये फोटो कॉपी दिखा रहे हैं मुझे, ये किस तरह कार्य कर रहे हैं, ये फोटो कॉपी दिखा रहे हैं, सुन करके और स्वयं पाजन देते हैं कि आप धीरे धीरे 6 महीने के अंदर मर जाओगे, इस तरह का कार्य नहीं का चल रहा, कोई नहीं है ना, ये वहां से डॉक्टर हैं और बहरी में आइए, और अब तो बात हो गई, नहीं आप कहां जा रहे हैं, आप आइए ना, आप जवाब तो दे करके जाइए, कहां जा रहे हैं आप, जो कर रहे हैं तो ये आप तो एक तरह के आतंकवादी की तरह काम कर रहे हैं कि आपकी कोई पहचान ही नहीं है, किसी को जान से मारने का अधिकार आपको नहीं मिल गया है, बहरी में कौन डॉक्टर नहीं है, हेलमेट कहाँ भाई, हेलमेट ले ले, छोड़ो।